बहुत बढ़िया लगी है जी, इससे बहुत सुरक्षा रहेगी, काफ़ी वो रहेगी, काफ़ी बहुत जो दिक्कत हो गई वो थी वो खत्म होगी इसकी। बढ़िया लग चुके हैं ये जो लगे हैं इन लोगों के हाजी आरिफ के, ये बहुत बेहतरीन लगे, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक ये लग जाएंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। पर जो बात है हाजी आरिफ ने हमारे लिए बहुत बढ़िया करा, वक्त तो खैर फिलहाल उनकी 2000 महिलाओं के, गरीब महिलाओं के उन्होंने पास बनाए फ्री घूमने के, और ये ई रिक्शा निकाले हैं उन्होंने गरीब इंसानों के लिए जो महिला घूम रही है। बढ़िया, ऐसे जिन्हों को बैठाओ पीछे से गाड़ी ना हो भर के, यानी कुल मिला के ये आप ये कहना चाहते हैं जो यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए और एक तरह से एक जिम्मेदार यहाँ पर बैठाया जाए जो आपसे 10-20 रुपए चार्ज ले और यहाँ पर बैठा रहे हैं तो उस पर गौर किया जाएगा और यहाँ आदमी की व्यवस्था करी जाएगी नगर पंचायत की तरफ से। हम आदमी लगा रहे हैं, अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ, ये नगर पालिका का पैसा थोड़ी है, वो लोग भी खर्च करें अपनी जेब से। बात कर रहे हो आप लोग, मेरी अगली प्लानिंग ये है कि जो पत्रकार अच्छा प्रदर्शन करेगा, यानी अच्छा किस तरह से करें, अच्छा ये होता है कि जो ईमानदारी है, जो निस्वार्थ और ईमानदारी से अच्छी छवि दिखाएगा, जो मेरी कसौटी पर खरा उतरेगा मैं उसे स्कूटी तो स्कूटी कार भी दूंगा। हाजी आरिफ प्रत्याशी नगर पंचायत डासना MIM। जैसे जैसे नगर पंचायत के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशी भी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उसी कड़ी में जनपद गाजियाबाद के नगर पंचायत डासना से MIM प्रत्याशी हाजी आरिफ ने डासना बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बैरिकेटिंग का निर्माण कराया, जिससे ई रिक्शा वाले इधर उधर ना हो और रोड पर जाम न लगे। इसी कार्य को देखकर विरोधियों के होश भागता हो गए। वहीं हाजी आरिफ ने बताया कि जिस तरह से लोग हमारी हिर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से नई नई योजनाएं ला रहे हैं, देखते हैं कौन कहां तक हिर्ष करता है। वही पत्रकारों को स्कूटी देने के सवाल पर हाजी आरिफ ने कहा कि वह हमारी मर्जी है, हम किसको क्या दें, जो हमारी कसौटी पर खरा उतरेगा उसे स्कूटी तो स्कूटी कार भी देंगे। हाजी आरिफ ने कहा कि हमारा और समर्थकों का काम है काम करते रहना, और फल देना तो अल्लाह के हाथ में है, वह किसको क्या दे। उसी तरह से मैं समर्थकों से अपील करता हूँ कि वह अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह फल जरूर मिलेगा। जब बैरिकेटिंग के बारे में वहाँ पर मौजूद ई रिक्शा चालकों से बात की गई तो ई रिक्शा चालकों ने कहा कि हाजी आरिफ ने जो बैरिकेटिंग लगाए हैं वह उनकी सुविधा के लिए हैं। वहीं उन्होंने हाजी आरिफ से बस स्टैंड पर एक जिम्मेदार व्यक्ति बिठाने की अपील की और कहा कि चाहे वह 10-20 रुपये चार्ज ले ले मगर व्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाए, जिससे आने जाने वाले यात्रियों व ई रिक्शा चालकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, जिसे हाजी आरिफ ने शहर स्वीकार करते हुए उसकी जल्दी व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। वहीं बैरिकेटिंग पर तरह तरह के स्लोगन भी लिखे थे। KTLive न्यूज के लिए जनपद गाजियाबाद डासना से समीर खान की रिपोर्ट। जैसे कि नगर पंचायत चुनाव चल रहे हैं और डासना में भी प्रत्याशी तरह तरह के कार्य कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई हैं, और ये बैरिकेडिंग इसलिए लगाई गई है कि जो यहाँ पर सवारियाँ आती हैं वो वाहन यहाँ खड़े रहते हैं तो इधर उधर ना खड़े हों, सीधे यहाँ अपनी लाइन में खड़े हों, इसलिए ये लगाई गई हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रिक्शा चला रहे हैं, उनसे बात कराते हैं। जी आपका नाम? सलाउद्दीन है जी। जैसे कि ये बैरिकेडिंग लगाई गई है यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ये बहुत बढ़िया लगी है जी, इससे बहुत सुरक्षा रहेगी, काफ़ी वो रहेगी, काफ़ी बहुत जो दिक्कत हो गई वो थी वो खत्म होगी इसकी, और इसमें हमें भी सुविधा की, और बाहर का आदमी आगे लगाएगा नहीं, लेकिन मानते नहीं लोग बाग इसमें, बस ये है जी, ये कहना मेरा बस। जैसे कि आप ई रिक्शा चला रहे हो, या ई रिक्शा जो आपको किसने दिया? ये तो हाजी आरिफ ने दिया हुआ जी हमें। इसका कुछ चार्ज लेते हैं? नहीं जी, कुछ नहीं लेते जी, नहीं लिया हमारे से कोई चार्ज। जैसे कि महिलाओं के लिए फ्री हैं, तो यहाँ पर जो आप महिलाओं को ले जाते हैं उनसे चार्ज लेते हो? नहीं जी, जिन पे पास है उनसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, जो वैसी हैं उनसे पैसे ले रहे हैं। जो महिला चलेंगी फ्री में, जो चलेंगी उनके लिए पास जारी करेंगे नगर पालिका? जी जी, वो पास है उनसे हमने कोई पैसा नहीं लिया, जो बाकी का पास के उनसे पैसे लिए। यहाँ पर और भी युवा मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगे?
जी हम क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे बाबा ने हमसे कह दिया वो बात खत्म सीधी। जो बैरिकेडिंग जो लगाई गई है, इनसे क्या आपको सुविधा होगी या कोई परेशानी दिक्कत आएगी? इस चीज़ के लिए बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि बहुत बढ़िया है कि जो बिगर लाइन के घुसेड़ देते हैं लुंडे, और भी हैं हमारे साथ के भी हैं भाई, जो भी घुसेड़ते इनके जरिए तो बिगर लाइन से चल नहीं सकते, शुरू से आएंगे तो लास्ट तक ऐसे ही चलेगा मामला। सारी बात यह है कि बहुत बढ़िया लग चुके हैं ये जो लगे हैं इन्हों के, हाजी आरिफ के, ये बहुत बेहतरीन लग गई है। यहाँ से लेकर वहाँ तक ये लग जाएंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। उसमें जो ना सूदिया जो बात है, ये जो भी इन्होंने करा है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो जिसका नंबर आएगा वही आगे जाएगा, वही आगे जाएगा, बीच से कोई नहीं आएगा, बीच में कोई नहीं बढ़ेगा। बस इनसे ये बढ़िया हो गया हमारा, जो बात है हमें इनसे फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। जो बात है सारी बात ये है कि जो भी बंदा आवेगा गाड़ी लेकर, अब सीधा वहाँ से आवेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक वही चलेगा। अभी जो ये बैरन लगे हैं इन्हों के, इनसे हमें बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे जो साथ के बंदे हैं और भी, वे बंदे बीच में एकदम घुसेड़ देते हैं, जैसे जगह मिल जाती है थोड़ी बहुत, तो उनसे हमें ये यानी उससे असुविधा होती है, बहुत बढ़िया हो गया हमारे लिए। बाकी जो बात है उन्होंने बढ़िया करा, अल्लाह उनकी तौफीक अदा फरमाए। जैसे कि नगर पंचायत डासना से दोबारा चेयरमैन प्रत्याशी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? जनता के लिए तो देखो ऐसी कही जावा, खैर जिसकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची उसका ही काम ऊंचा। तो आवाज़ किसकी ऊंची माने यहाँ डासना? आवाज़ तो भाई साहब यहाँ पे कई जनों के, हम किसके बारे में कैसे कहें, अब इस बारे में सुनो। पर जो बात है आज यारिम ने हमारे लिए बहुत बढ़िया करा, आवाज़ तो खैर फिलहाल उनकी ऊंची होनी चाहिए। क्यों भैया, सही बात है ना जी, जो काम हमारे लिए करेगा वो बढ़िया, सारा सबके लिए अच्छा है। बा खैर जो भी है जैसे भी है, मामला बहुत बढ़िया करा हमारे लिए ये। बाकी और हमारे बड़े मियाँ हमारे लिए तशरीफ रखे हुए हैं, बाकी जो भी है मामला ये बतावेंगे हमें, ठीक है जी। अल्लाह उम्र उनकी बड़ा, जिन्होंने हमारे लिए काम कर दिया, काम तो बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत बेहतरीन काम कर गए जी, सब बेहतरीन काम नहीं लगा हमें। जैसे कि आगामी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव चल रहे हैं, एक तरह से तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही है, और डासना की जो सीट है वो भी जनरल में आ चुकी है, तो क्या किसी के किसके लिए वोट देने के लिए अपील करेंगे? देखो जी हम तो यही कहेंगे, काम तो उन्होंने काफ़ी अच्छे कर लिए, महिलाओं के लौंडियों के निकाह भी करवाए जो गरीब गुरबा हैं, और उसके बाद साइकिलें भी बांटी हैं बच्चों को, बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं इन्होंने जो, तो इनकी जगह हम तो एक कहना हमारा लोग बागों को उन्होंने टर्री भी बांटी हैं, जो बात है टर्री बांटी है, कम कम से कम 15-20 टर्री बांटी है इन्होंने जी। आप कुछ, आपका नाम? सलीम। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी मैं यही कहना चाहूँगा, नगर पंचायत डासना से जो हमारे चेयरमैन है मौजूदा हाजी, हाँ वो समय समय पे बहुत ही अच्छा काम करते रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे को भी करेंगे, और डासने की जनता ज़्यादातर उन्हीं के साथ है। क्या कारण है, किस तरह से आप उनसे प्रभावित हैं? प्रभावित यही है कि गरीब आदमी के लिए ज़्यादा सोचते हैं, जैसे डासने में 2000 महिलाओं के, गरीब महिलाओं के उन्होंने पास बनाए फ्री घूमने के, और ये ई रिक्शा निकाले हैं उन्होंने गरीब इंसानों के लिए जो महिला घूम रही हैं उसमें, और समय समय पे गरीब लड़कियों की शादियां कराते हैं, तो इस तरीके के काम से डासने की जनता बहुत प्रभावित है, और इंशाल्लाह उन्हीं के साथ है। डासना वासियों के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से? डासना वासियों के लिए मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे हाजी आरिफ जुझारू और बहुत अच्छे चेयरमैन साबित हुए हैं, इसलिए दोबारा मैं गुजारिश यही करना चाहूँगा कि दोबारा इन्हीं को चुनें, ना किसी और को चुन के, ये हमारे देखे भाले हैं और बरते हुए हैं जी। आप क्या कर रहे हैं? जैसे मजूरी आती है वहाँ लगा लेते हैं, सवारियों को बाहर देखते हैं, खट वहाँ तक लगा लेते हैं, वहाँ से सवारी भर के आएंगे। यहाँ पर कई दफ़ा लड़ाई भी हो चुकी, सब काम हो, ये काम और बंद होना चाहिए ये, बस हमारी ये कहना चाहिए। बहुत दिक्कत होती है इस मामले में, हम सुरेश जब से यहाँ लाइन लगे, यानी अपनी मनमर्जी चलाते हैं कुछ लोग। हाँ जी अपनी मनमर्जी चलाते हैं, वो चीज़ बंद होनी चाहिए बस, समझे। अभी तक शिकायत करिए कोई? शिकायत हमने कई दफ़ा चलेगी जी, ये भी चलेगी, हम भी चलेंगे, सब थाने में चलेंगे जी, यहाँ पर आ जाए जब पुलिस वाला आ जाए, जब तो हो जाए मामला बंद, जब ये चले जाए जब वही मामला चालू हो जाए, बताओ किस किस को कहा जाए। अब आप आपस में थोड़ी लड़ाई मरेंगे, उस मामले को तुम लगाओगे जैसे वो लोग भी आपसी आपके बीच के लोग होते हैं जो इधर उधर आकर अव्यवस्था फैलाते हैं। ये तो देखो मैं क्यों ना हूँ इस मामले में,
जब तुम भर कर चलोगे तो आखिरी चक्कर मैं भी मारूंगा, मैं भी आवाज नहीं आ सकता। इस मामले को जी बंद करा जाए, यहाँ तो कोई बैठा है ना, तो किसी ऐसे को बिठाओ जो हमसे चाहे 10-20 रुपये फालतू ले ले, पर यहाँ ऐसे जने को बिठाओ उसको पीछे से गाड़ी ना हो भर के। यानी कुल मिला के ये आप ये कहना चाहते हैं जो यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए और एक तरह से एक जिम्मेदार यहाँ पर बैठाया जाए जो आपसे 10-20 रुपये चार्ज ले और यहाँ पर बैठा रहे, आपके नंबर लगाए। जी 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 बिल्कुल सही बात है, यही चाहते हैं जी हम। नहीं वो ही जो बोला आया पीछे से बंदे है पीछे से, हम यहाँ खड़े रहते हैं तो 2-3 घंटे खड़े जाते हैं यहाँ, बहुत दिक्कत होती है। पुलिस वाले से कहते हैं वो पूरी सपोर्ट देते हैं हमें, हम जाते हैं वो ये छोड़ देते हैं वे गाड़ी उनकी भी कहा, बस यही कहना चाह रहा था। जैसे कि आज ये नगर पंचायत डासना में बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, किस क्या आपके मन में आया, क्या आपके सोच आई कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई जाए? देखिए हमारे मन में ये है कि जो पैसा खर्च हो वो कम से कम आवाम के लिए हो, यहाँ पे ई रिक्शों की वजह से जाम लग जाता है, तो इसलिए हमारे मन में आई कि हम ई रिक्शा की बराबर में एक एक बैरिकेडिंग लगा देंगे तो जाम से मुक्ति मिल जाएगी, यहाँ पर जाम नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ ई रिक्शा चलाने वालों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर व्यवस्था तो हाजी जी ने काफ़ी अच्छी कराई है और पुलिस भी काफ़ी सपोर्टेड है, मगर एक अव्यवस्था ये है कि यहाँ पर कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, जिससे हम ही लोगों में से एक आदमी बीच में से घुस टिरी बढ़ा देता और वो अपनी भर के निकल लेता, तो इसके लिए आपकी क्या करेंगे आप इसमें? देखिए इसके लिए तो ये खुद ही जिम्मेदार हैं भाई, यही भरने वाले हैं। मतलब उनका कहना यह है अगर कोई आदमी नगर पालिका की तरफ से यहाँ बैठाया जाए, चाहे उस हम लोगों से 10-20 रुपये चार्ज लिया जाए जिससे उसका खर्चा चले और हमें यह हो कि अव्यवस्था ना हो, कुल मिलाकर उन्हें अव्यवस्था जो सामना करना पड़ता है उसका सामना ना करना पड़े। इन लोगों ने कभी बताया नहीं इस तरह की परेशानी अगर है तो उस पर गौर किया जाएगा और यहाँ आदमी की व्यवस्था करी जाएगी, नगर पंचायत की तरफ से हम आदमी लगा देंगे यहाँ पे। जो अब आपने बैरिकेडिंग लगाई है इससे बाद में भी और योजनाएं हैं, क्या होंगी आपकी योजनाएं? और लोगों में ये चर्चा है कि हाजी आरिफ जो हैं इस तरह से चेयरमैन निकली कि काफ़ी अच्छी चेयरमैन निकली और अब एक तरह से मोदी जी की तरह नई नई योजनाएं ला रहे हैं जिन्हें लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, आखिर इस तरह से क्या क्या मैटर, क्या समझाना, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अगर मैं उनको पहले बता दूंगा तो फिर वो मेरी हिरस करने लगेंगे, जिस तरीके से वो मेरी हिरस कर रहे हैं प्रचार करने में, तो इसी तरीके से जो है योजनाएं आती रहेंगी, आप लोगों को पता लगता रहेगा, अभी बहुत सारी योजनाएं हैं जो इलेक्शन तक आएंगी। कुछ लोगों का कहना यह है कि वो तो चेयरमैन है वो योजनाएं लाते रहेंगे, वो अपनी तरफ से कैसे योजना लाएं, वो तो पैसा नगर पालिका का खर्च नहीं कर सकते ना। देखिए ये तो मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ, ये नगर पालिका का पैसा थोड़ी है, वो लोग भी खर्च करें अपनी जेब से, कौन मना कर रहा है उनको? मतलब जो बैरिकेडिंग लगाई है आपने अपने पास से लगाई है? ये मैंने अपनी जेब से लगाई है, अपने खुद के पैसे से लगाई है, इसमें नगर पालिका का कोई रोल नहीं है, ना कोई पैसा है ना कोई रोल है नगर पालिका का, ये हमने अपने पैसे से लगाई है। जैसे कि अभी कुछ पत्रकारों को स्कूटी और बाइक बांटने का आपका प्लान है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए मेरी मर्जी है मैं कुछ भी बांटूं, देखिए संविधान ने सबको हक दिया है, जो अच्छा कार्य करेगा, अभी तो स्कूटी की बात कर रहे हो आप लोग, मेरी अगली प्लानिंग ये है कि जो पत्रकार अच्छा प्रदर्शन करेगा, यानी अच्छा किस तरह से करें, अच्छा ये होता है कि जो ईमानदारी है, जो निस्वार्थ और ईमानदारी से अच्छी छवि दिखाएगा, कोई भी हो, अगर मेरे अंदर बुराई है तो बुराई दिखाइए, मेरे अंदर अच्छाई है तो अच्छाई दिखाइए, जो पत्रकार ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करेंगे।